लॉकडाउन 4 में भी किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। दूर दराज से आने वाले किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए कोटा भामाशाह मंडी में घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। इस दौरान किसानों ने ये आरोप लगाया कि मंडी प्रशासन को उनकी समस्याओं की कोई परवाह नहीं है, इस भीषण गर्मी में उनके लिए पानी तक की वहां व्यवस्था नहीं। परेशानी तो बहुत समस्या है, आपको देखो जाम में कितनी पब्लिक फंसी हुई, हर आदमी की समस्या। किसान बेचारा रात को 9 बजे से घर से निकला है, भूखा पैसा, चलो वहाँ खा लेंगे, चाय पी लेंगे, कुछ नहीं है उसके पास। यार देखा तो देखो दोनों तरफ से लाइने जमकर, और फिर किसी का वो ट्रक वाले जो किसी दादागिरी करके अपनी गाड़ी को उड़ा देते हैं, किसी के स्पेयर जा गया, किसी के टूट गया, वो किसी की सुनवाई नहीं हो रही। पहले तो किसी ने बोला यार भैया वहाँ लगाओ गाड़ी, अपनी गाड़ी वहाँ लगवा दी। अब यहाँ से बता रहे हैं वो 7,000 ट्रॉली अंदर घुस चुकी, 5,000 तो अंदर घुस चुकी, और हमारे ट्रैक्टर वाले को देखना, वो ट्रैक्टर वाले के बेचारे को ठंडे मारे अंदर लेने लगा, और लाठी से डरवा रहे हैं किसान को। ये दशा हो रही है मंडी में आने में।